ये हमारे प्रोजेक्ट का एक और विजुअल है। स्लोगन होगा द वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप्स। बाकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। वेल डन, ब्राइट आइडिया है, लेकिन मुझे लगता है थोड़े टच की जरूरत है। आई एग्री, पर हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। हाँ, लेकिन हमें ये अर्जेंट चाहिए। टाइम नहीं है हमारे पास इन सब के लिए। आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम दीजिए, हम सिक्योरिटी इश्यू पर भी फोकस करेंगे। हाँ, लेकिन सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन हम रियलिटी में एडवेंचर वाला प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और कंपनी इसमें इंटरेस्टेड है। हम और कंपनी के भी प्रोजेक्ट देखकर आपको कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। हमारी मीटिंग है 10 बजे फिक्री हरिका एजेंसी के साथ। हाँ, चेक करती हूँ। मिस्टर जान कहाँ है? हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। हाय डेरेन, कैसे हो गाइस? जान कहाँ है? कहीं वो फिर से जंगलों में भाग तो नहीं गया ना? ओह, गुड मॉर्निंग आइलैंड। गुड मॉर्निंग। लगता है तुम सच में हमारी फॉलोअर हो। हाय डेरेन, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। हमें यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कस्टमर वेट कर रहा है। डेरेन, हम ये वाला नहीं, दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे। लेट्स गो। उस तरफ। थैंक यू सो मच। हाँ बोलो एलन। एमजे, तुम्हारे भाई ने एक अलग प्रोजेक्ट बनाया है। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? अभी अभी मेरी उससे बात हुई। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि उसने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया नहीं, है? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। कंग्रेचुलेशंस एमरे, क्योंकि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ गेम खेला है। एलन प्लीज काम डाउन। क्या तुम अपने भाई को जानते नहीं? तुम तो ऑफ कोर्स कंफर्टेबल रहोगे मेरी कंपनी के लिए, तो मैं सिर्फ काम कर रही हूं। एलन प्लीज शांत हो जाओ, अभी तक कस्टमर का रिप्लाई आना बाकी है। ऑलराइट, क्या कहा? मैं ओवररिएक्ट कर रही हूं। तुम्हारे भाई ने हमारा पूरा प्लान बिगाड़ दिया, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाकर लाया जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। एलन इनफ। हाँ, आप सच में बहुत हो गया। अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना चाहिए, मैं इसीलिए इस कंपनी में अभी तक काम कर रहा हूँ। मेरी क्रिएटिविटी। हाँ, सच कह रहे हो। चल क्या रहा है? लगता है आपकी मीटिंग अच्छी रही। तुमसे बाद में बात करते। लेकिन मिस्टर जाम का फेस तो देखो। हाँ, तभी तो वो इतने कूल है। क्या ग्राफिक डिजाइनर ने फाइल भेजी? ये रही। आपको पता है ग्राफिक डिजाइनर सेवल पर फिदा है। क्या कहा? मुझे इस ऑफिस की सारी लव स्टोरीज मालूम है, आप भी सुनेंगे मिस्टर जान? बताइए। नहीं गुलिस, मुझे नहीं सुनना। वो टेक्स कहां पर है? मैं तो खुद जाना नहीं चाहती, पर क्या करूं, सब लोग आकर मुझे बता ही देते हैं। सब रूमर्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पर सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आकर सब बता देते हैं और मुझे सब गुलिस, थोड़ी देर चुप रहोगी प्लीज? बजट देना। आपको पता है मिस डेरिन आपके हर एक फेवर के लिए रेडी है, और सनी भी। मैं उठा देती हूँ प्लीज। थैंक यू। क्या कहा सनी के बारे? मैं ठीक से समझ नहीं सकी, लेकिन ये पता है कि वो एक नॉवल लिख रही है और वो बहुत अच्छी है। वो उसकी दिल की बातें हैं। जैसा तुम कहो मिस्टर जान, आप सच में जेंटलमैन हो।
आई मीन मिस्टर एमरे भी जेंटलमैन है, लेकिन आप थोड़े से हटकर है। मेरा मतलब है कि आप एमरे, जरा प्लीज इधर आना, जरूरी काम है। गुलिस तुम जा सकती हो। थैंक यू। ठीक है। बी केयरफुल। भाई ये तुम क्या कर रहे हो? कस्टमर को कोई और प्रोजेक्ट दिखा दिया, मुझे इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? एमरे तुम फाइनेंस छोड़ के प्रोजेक्ट में कब से इंटरेस्ट लेने लग गए? तुम्हारे आने से पहले पापा मेरे साथ हर एक प्रोजेक्ट शेयर करते थे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? क्या हर बात मुझे बतानी पड़ेगी? मुझे लगा सही नहीं था तो बदल दिया। देखो हम साथ में काम कर रहे हैं, अगर मैं फाइनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। क्या एम्बिशन है? तुम आते ही यहाँ पे टॉप की पोजीशन संभालने लगते हो। ब्रावो। जब चाहे आते हो, जब चाहे जाते हो और कहते हो कि मैं जबरदस्ती काम कर रहा हूं। ये एयरलाइन प्रोजेक्ट तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और बेहतर होगा तुम जाओ यहां से। मुझे गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। समझ गए? जी और दी अदर वन, इधर आओ। ये कुछ बुक्स है जो कि यूजलेस है, इसमें सिर्फ जंक फूड्स के बारे में लिखा है। कैन को जो बुक्स चाहिए इनमें से कोई भी नहीं है, इनकी कोई जरूरत नहीं। तो फिर अब तुम क्या करोगी? आई डोंट नो जेजे, तुम्हें पता है आज मैं इतनी बिजी थी कि आज पिलाटेस भी नहीं गई। आई एम सो सॉरी कि तुम पिलाटेस नहीं जा सकी, अब वो तो बहुत इम्पोर्टेंट था। जेजे तुम मेरा एक काम करो, ठीक है? तुम क्रिएटर्स के पास जाकर उनका बनाया हुआ हर एक चीज मेरे पास ले आओ, और दी अदर वन तुम्हारी हेल्प करेगी। सनम नहीं, वो यहाँ नहीं है। सनम, मेरा नाम है सनम। और सुनो, दी अदर वन तुम आधे घंटे में फॉर्मर बुकलेट्स मेरे केबिन में लेकर आओगी, और वो भी जितनी जल्द हो सके। मैंने कहा ना आपसे मेरा नाम सनम है, समझती क्यों नहीं है आप? कितनी बार बताऊं आपको, दी अदर वन करती रहती हो आप। तुम्हारी वजह से मुझे सारे ऑफिस में इसी नाम से बुलाते हैं। मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ चलो बाहर जाओ, मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा नाराज हो गई हूँ। चलो निकलो, जाओ, मैंने कहा आउट। मैं वैसे भी बाहर ही हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। छोड़ो अब चलो। बात हो गई है यार, बस बहुत हो चुका। अब क्या कर रही हूँ, इतनी सी बात पर कोई नाराज होता है क्या? सर वही तो बोलती है। हाँ रुकिए, ये तुम्हारे लिए दी अदर वन फाइल्स। दी अदर वन को तुम्हारा घर चला देना चाहिए। उसे ऐसे मत बुलाओ, उसका नाम सैनम है। कॉल हर सैनम।